नमस्कार, आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। मेरा नाम नीरज है। बाबा रामदेव पतंजलि को सिंहासन तक पहुंचने का आसन लगाए बैठे रहे, मगर कंपनी को शिथिलासन लग गया। रामदेव बड़े बड़े दावे करते रहे, वो कहते ही रह गए कि हम मल्टीनेशनल कंपनियों को कपाल भांति कराएंगे। उल्टे उनकी पतंजलि ही भांति भांति के भवजाल में फंस गई है। रॉयटर्स एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है, उसके मुताबिक रामदेव के कमाई बढ़ाने के दांव बेअसर होते दिख रहे हैं। कंपनी की बिक्री में 10% की गिरावट दर्ज की गई है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से पतंजलि स्वदेशी के सहारे अपने कारोबार को दिन दूनी रात चौगुनी स्पीड से बढ़ा रही थी। पतंजलि के प्रोडक्ट्स कंज्यूमर हाथों हाथ ले रहे थे। मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए पतंजलि के नारियल तेल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट चिंता का सबब बने हुए थे, मगर आज सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। क्या हुआ, इस पर एक नजर डालते हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक साल 2017 में रामदेव ने दावा किया कि उनकी कंपनी के टर्नओवर के आंकड़े मल्टीनेशनल कंपनियों को कपाल भांति करने को मजबूर कर देंगे। कपाल भांति जो एक मुश्किल योग माना जाता है, रामदेव का दावा था कि मार्च 2018 तक पतंजलि की बिक्री दोगुनी हो जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी। पर हुआ उल्टा। कंपनी की सालाना फाइनेंशियल रिपोर्ट बाबा रामदेव के होश उड़ाने के लिए काफी है। रामदेव के दावों के उलट पतंजलि की बिक्री 10% घट गई है। कंपनी की सेल 10,000 करोड़ रुपए के मनोवैज्ञानिक स्तर से भी नीचे 8,100 करोड़ रुपए रह गई है। साल 2016-2017 में कंपनी का कारोबार 11,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। इस वक्त क्या हाल है पतंजलि का, यह समझते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक पतंजलि के हालात अभी और खराब होंगे। कंपनी की बिक्री में भारी गिरावट के संकेत हैं। केयर रेटिंग्स नाम की एक रिसर्च फर्म के मुताबिक कंपनी की बिक्री के आंकड़े बेहद खराब हैं। मार्च 2018 से दिसंबर 2018 तक, यानी कारोबारी साल के 9 महीने में पतंजलि की बिक्री सिर्फ 4,700 करोड़ रुपए तक ही पहुंच सकी। ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, पतंजलि के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए रॉयटर्स ने कंपनी के कुछ मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों से बातचीत की। न्यूज एजेंसी ने पतंजलि के सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्टोर मैनेजर्स और कंज्यूमर्स से भी बात की। इस आधार पर रॉयटर्स ने 4 अहम नतीजे निकाले हैं। पहला, पतंजलि के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, पर कंपनी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कंपनी लगातार अपने कारोबार के विस्तार में लगी। दूसरा, नवंबर 2016 में नोटबंदी और फिर जुलाई 2017 में जीएसटी ने भी दूसरी कंपनियों की तरह पतंजलि के कारोबार को तगड़ा झटका दिया है। तीसरा, पतंजलि के एक पूर्व कर्मचारी ने बताया कि कंपनी के ट्रांसपोर्टर्स के साथ माल भेजने के लिए लंबी अवधि के समझौते नहीं है, इससे डिलीवरी की समस्या है। चौथा, पतंजलि के पास बिक्री पर नजर रखने के लिए एक अच्छे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की भी कमी है। ये नतीजे निकाले रॉयटर्स ने। इनके अलावा कुछ और भी वजहें हैं जिनकी वजह से पतंजलि का कारोबार प्रभावित हो रहा है, जैसे बाहर से बने उत्पाद। कंपनी अपने 2500 से ज्यादा उत्पादों में से तमाम दूसरे उत्पादकों से बनवाती या खरीदती है। इनकी क्वालिटी को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। रॉयटर्स ने एक पतंजलि स्टोर से 81 उत्पादों की समीक्षा की। इनमें से 27 प्रोडक्ट्स पतंजलि के लिए दूसरी कंपनियों ने बनाए थे। बालकृष्ण का कहना है कि चावल, दाल और गेहूं जैसे कुछ प्रोडक्ट ही बाहर से मंगवाए जाते हैं। दूसरा, फैक्ट्रियों में उत्पादन में देरी। पतंजलि की कुछ फैक्ट्रियों का निर्माण समय से पूरा नहीं होने से भी कंपनी के सामने समस्या आई है। रॉयटर्स के मुताबिक पतंजलि का फूड प्लांट महाराष्ट्र में अप्रैल 2017 तक चालू होना था। दिल्ली के पास साल 2016 तक एक आयुर्वेद और हर्बल फैक्ट्री बनाई जानी थी। अब ये प्रोजेक्ट साल 2020 तक पूरे होने के आसार हैं। तीसरी वजह, मल्टीनेशनल कंपनियों से कड़ा मुकाबला। रिसर्च एजेंसी क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पतंजलि का मल्टीनेशनल कंपनियों से कड़ा मुकाबला है। पतंजलि के ज्यादातर प्रोडक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर और डाबर के मुकाबले टिक नहीं पा रहे हैं।
टूथपेस्ट, दंतकांति और देसी घी को छोड़ दिया जाए तो पतंजलि के दूसरे प्रोडक्ट फिसल रहे हैं। शहद, शैंपू और ऑयल में डाबर और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने दोबारा पकड़ मजबूत कर ली है। रामदेव का ही फॉर्मूला अपना लिया है दूसरी कंपनियों ने, एक और वजह है। कोलगेट ने स्वर्ण वेद शक्ति और सिबाका वेद शक्ति नाम से हर्बल और आयुर्वेदिक टूथपेस्ट बाजार में उतार दिए हैं। इसी तरह हिंदुस्तान यूनिलीवर ने आयुष ब्रांड के आयुर्वेदिक तेल, शैंपू और साबुन के प्रचार पर खर्च बढ़ा दिया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने क्रीम, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, शैंपू वगैरह में जोर शोर से 20 नए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं। इससे पतंजलि को चुनौती मिल रही है। अगली वजह, स्वदेशी ब्रांड अब कमजोर पड़ने लगा है। क्रेडिट स्विस के मुताबिक बाबा रामदेव का स्वदेशी, आयुर्वेदिक और शुद्ध का आइडिया अब पुराना पड़ने लगा है। डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर और कोलगेट भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लेकर बाजार में कूद पड़े हैं, इसीलिए नयापन नहीं रह गया है। पतंजलि ने शुरुआत की आयुर्वेदिक दवाओं से, फिर हर्बल और केमिकल मुक्त प्रोडक्ट से होते हुए बिस्किट्स, नूडल्स, टूथब्रश, चॉकलेट सभी में उतर गई। अब फ्रोजन सब्जी और रेडीमेड कपड़ों में भी उतरने की जा रही है ये कंपनी। इससे कंपनी की जो अनोखेपन यानी यूनिक होने की वैल्यू थी वो कमजोर पड़ गई। छठी वजह, नेटवर्क की समस्या। पतंजलि ने पहले अपना नेटवर्क बनाया, फिर बिग बाजार से टाई अप किया, फिर स्वदेशी स्टोर की फ्रेंचाइजी बांटी। इन सब के बावजूद पतंजलि हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट और नेस्ले जैसा नेटवर्क विकसित नहीं कर पाई। अगली वजह, बाबा रामदेव पर ज्यादा निर्भरता। पतंजलि के सबसे बड़े और एकमात्र ब्रांड एम्बेसडर हैं बाबा रामदेव, लेकिन दंत कांति से लेकर मकर ध्वज वटी तक सभी में बाबा रामदेव को सामने लाने से प्रोडक्ट की खासियत छिप जाती है और बाबा रामदेव की ब्रांड वैल्यू पर असर पड़ता है। वो गुरु के तौर पर मशहूर हैं, इसीलिए नेचुरल प्रोडक्ट पर उनका रुतबा चलता है, पर दूसरे कंज्यूमर प्रोडक्ट उनकी इमेज पर फिट नहीं बैठते हैं। अब ये समझते हैं कि रामदेव का कंपनी में रोल क्या है। पतंजलि के पास अभी करीब 3500 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। इनके जरिए देश भर में करीब 47,000 रिटेल काउंटर्स पर कंपनी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ग्रामीण इलाकों में पतंजलि शॉप्स खुली हुई हैं। इनमें स्नैक्स, मैंगो कैंडी से लेकर जोड़ों के दर्द की आयुर्वेदिक दवाएं तक मिलती हैं। रामदेव खुद भी घर घर पहचाने जाते हैं। टीवी पर आने वाले उनके योग शो लाखों लोग देखते हैं। साल 2006 में जब से पतंजलि कंपनी का गठन हुआ तब से रामदेव ही इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। कंपनी के हर बिलबोर्ड और होर्डिंग्स में भी रामदेव का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है। रामदेव का तकनीकी तौर पर इस कंपनी से बस इतना ही जुड़ाव है। कंपनी का सारा कामकाज उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण देखते हैं। 46 साल के बालकृष्ण पतंजलि के सीईओ हैं। साल 2018 की रिटर्न फाइलिंग के आधार पर पतंजलि के 98.55% शेयर आचार्य बालकृष्ण के पास थे। बालकृष्ण रामदेव को करीब 30 साल पहले एक संस्कृत स्कूल में मिले थे। अक्टूबर 2018 में आई फोर्ब्स मैगजीन की भारत के करोड़पतियों की लिस्ट में बालकृष्ण 25वें नंबर पर थे। उनकी प्रॉपर्टी करीब $4.7 अरब यानी करीब 3400 करोड़ रुपये बताई गई थी। रॉयटर्स ने बालकृष्ण से कंपनी के सेल्स के आंकड़े चाहे पर उन्होंने जानकारी देने से इनकार कर दिया, पर इतना जरूर कहा कि भविष्य में बिक्री के आंकड़े बेहतर होंगे। बालकृष्ण का कहना है कि हमने अचानक से विस्तार किया, हमने 3-4 नई यूनिट शुरू की, ऐसे में समस्या तो सामने आनी ही थी। वैसे अब हमने नेटवर्क की समस्या का समाधान कर लिया है, तो वो उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले वक्त में पतंजलि बेहतर करेगा, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि पतंजलि की बिक्री में गिरावट आई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर बताएं। ये वीडियो यहीं तक। मेरा नाम नीरज है। इस वीडियो को शूट करने के दौरान मेरे साथ कैमरे के पीछे रूहानी थे। शुक्रिया।